हिंदू नववर्ष की पहली एकादशी यानी कामदा एकादशी, और इस बार ये एकादशी बस आ चुकी है। लेकिन कब? कुछ लोग कहते हैं 1 तारीख को है और कुछ कहते हैं 2 को। आखिर कामदा एकादशी का पालन कब करना है? अगर आप भी इस कन्फ्यूजन को दूर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हरे कृष्णा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र मास की प्रतिपदा से हमारा नव वर्ष शुरू हो चुका है और इसी नव वर्ष की सर्वप्रथम एकादशी तिथि यानी कामदा एकादशी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली ये एकादशी अत्यंत पुण्य फल प्रदान करने वाली है। इस एकादशी का पालन करने से व्यक्ति ब्रह्म हत्या जैसे जघन्य पाप कर्मों से भी मुक्त हो जाता है। ये एकादशी न सिर्फ मनुष्य की भौतिक इच्छाओं को पूरा करती है अपितु इसके श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करने से व्यक्ति को परम आध्यात्मिक गति भी प्राप्त होती है। ऐसी परम पवित्र एकादशी तिथि इस बार आ रही है 1 अप्रैल 2023 शनिवार को, लेकिन उसका पालन हम करेंगे 2 अप्रैल 2023 रविवार के दिन। जब एकादशी तिथि 1 तारीख को है तो फिर उसका पालन हम 2 को क्यों करेंगे? आखिर हर बार इस तरह के कन्फ्यूजन क्यों होते रहते हैं? तो इसका उत्तर जानने के लिए अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपके अपने इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कीजिए। तो चलिए, आपकी सभी समस्याओं और सवालों का शास्त्रों से प्रमाणभूत उत्तर ढूंढते हैं और देखते हैं कि इस बार की एकादशी इतनी विशेष क्यों है। तो देखिए, संपूर्ण वर्ष के दौरान 8 महाद्वादशी तिथि आती है। पद्म पुराण और मार्कंडेय पुराण में भगवान श्री विष्णु स्वयं कहते हैं कि जो व्यक्ति इस जगत में आकर अष्ट महाद्वादशी का पालन नहीं करता है उसे प्रलय काल तक यमपुरी में वास करना पड़ता है। इतना ही नहीं, ब्रह्म वैवर्त पुराण में सूत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषि के बीच हुए संवाद में भी कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य को वर्ष में आने वाली 8 महाद्वादशी का पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये महाद्वादशी समस्त पाप कर्मों को तत्क्षण नाश कर देती है। तो आखिर ये महाद्वादशी है क्या? तो देखिए, कई बार एकादशी तिथि और द्वादशी तिथि के प्रारंभ होने के समय और अंत होने के समय विभिन्न प्रकार के होते हैं। ऐसे में कई बार एकादशी तिथि द्वादशी से मिश्रित हो जाती है तो कई बार द्वादशी तिथि भी त्रयोदशी में मिल जाती है। कभी कभी दशमी और एकादशी मिश्रित हो जाती है। इन सभी खगोल शास्त्रीय गणना अनुसार दशमी, एकादशी और द्वादशी तिथि का समय निर्धारित होता है और ऐसे भिन्न भिन्न मिश्रण से अलग अलग प्रकार की 8 महाद्वादशी तिथि निर्धारित होती है। इसी 8 महाद्वादशी तिथि में से एक है व्यंजुली महाद्वादशी। जब एकादशी तिथि द्वादशी से सम्मिलित नहीं होती है लेकिन द्वादशी तिथि त्रयोदशी तक विस्तारित होकर उसमें सम्मिलित हो जाती है तो ऐसे संयोग को व्यंजुली महाद्वादशी कहते हैं। ऐसे समय में भले ही एकादशी तिथि संपूर्ण हो लेकिन फिर भी व्यक्ति को एकादशी व्रत का पालन द्वादशी के दिन ही करना चाहिए। इसके विषय में हरिभक्ति विलास नामक ग्रंथ में कहा गया है, एकादशी तु संपूर्णा परतो द्वादशी भवेत् उपोष्या द्वादशी तत्र तिथि वृद्धि प्रशस्यते। अर्थात भले ही एकादशी पूर्ण हो और द्वादशी विस्तृत हो रही हो तो भी व्यक्ति को द्वादशी के दिन ही उपवास करना चाहिए। ये विस्तृत एकादशी कहलाती है। इसके अलावा भगवत आदि तंत्र में लिखा गया है, संपूर्ण एकादशी त्यज्या परतो द्वादशी यदि उपोष्या द्वादशी शुद्धा द्वादश्यामेव पारणम् न गर्भे विषते जंतुर इत्याह भगवान हरिः। इसका अर्थ है, परम पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं यदि एक क्षण के लिए भी द्वादशी त्रयोदशी में सम्मिलित होती है तो व्यक्ति को एकादशी के पूर्ण दिन के व्रत का त्याग करना चाहिए और द्वादशी के दिन उपवास करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को भौतिक जन्म के चक्र से मुक्ति प्राप्त होती है।
तो अब आप महाद्वादशी के महात्म्य को समझ ही गए होंगे और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि ऐसी ही एक महाद्वादशी तिथि है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली कामदा एकादशी। इस वर्ष भी भले ही एकादशी तिथि 1 तारीख को है, लेकिन एकादशी व्रत और उपवास का पालन हमें 2 अप्रैल 2023 रविवार के दिन करना चाहिए, क्योंकि ये व्यंजुली महाद्वादशी है। उत्तर भारत की समय सारणी अनुसार 2 अप्रैल को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय है। सुबह 4:39 पर सूर्योदय होगा प्रातः 6:15 से और उसी समय पर एकादशी व्रत का पालन आरंभ होगा। अगले दिन एकादशी व्रत का पारण करने का समय है 3 अप्रैल 2023 सोमवार को प्रातः 6:14 से लेकर 6:27 के बीच में। इस बार पारण के लिए अत्यंत कम समय मिल रहा है, इसलिए याद से इसी समय के दौरान पारण कर ले। एकादशी पारण निर्धारित समय में ही क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इस विषय में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। अगर आप चाहेंगे तो पारण के ऊपर हम आपके लिए एक विस्तृत वीडियो जरूर बनाएंगे। तो चलिए 2 अप्रैल 2023 रविवार के दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली अत्यंत पवित्र कामदा एकादशी व्रत का पालन करने के लिए तैयार हो जाइए और इस व्रत की संपूर्ण विधि जानने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो याद रहे, बाकी लोग, यूट्यूब चैनल और वेबसाइट भले ही आपको 1 तारीख को एकादशी पालन करने के लिए कहे, लेकिन अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग गया है कि क्यों हमें 2 तारीख को एकादशी का पालन करना चाहिए। तो इस बार 2 अप्रैल 2023 को आने वाली कामदा एकादशी व्रत का निष्ठा और नियम पूर्वक पालन करते हुए अपने मन और जीवन को परम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित करते हैं। हरे कृष्णा।